नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो आप एक बार बना लेंगे ना बार बार बनाकर खाएंगे। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसे बनाने में हम बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर सूजी डाल देंगे। मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो उसे एक बार मिक्सी जार में चलाकर बारीक कर लें। अब मैंने छाछ ली है 1 कप। छाछ की जगह आप आधा कप दही भी ले सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर देंगे। थोड़ी थोड़ी छाछ डाल लेंगे। छाछ मैंने हल्की सी खट्टी ली है, इससे नाश्ते का टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास छाछ या दही नहीं है तो आप इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल लें, उससे भी नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। मैंने कुछ वेजिटेबल ली है, जिसमें मटर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च है 1 और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी को हम चॉपर में डाल लेंगे और चॉप कर लेंगे। आप इसे बारीक बारीक कट करके भी ले सकते हैं। मटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, इसमें आप अपनी मनपसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। फ्रेंड, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। कोई गेस्ट आए तब भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए हरी मिर्च और अदरक को भी मैंने बारीक बारीक कट करके डाल दिया है, और टमाटर के भी हम 4 पीस कर लेंगे, और अब हम इसे चॉप कर लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा चॉपर है, इससे मुझे किचन में बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा चॉपर है फ्रेंड, ये इलेक्ट्रॉनिक है। बिना इलेक्ट्रॉनिक भी आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है, इससे मुझे किचन में बहुत ही हेल्प मिलती है। देखिए मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हल्की सी थोड़ी सी और चॉप कर लेंगे हम। इसमें पेस्ट नहीं बनता है फ्रेंड, सब्जियां चॉप ही होती हैं। देखिए कितनी अच्छी चॉप हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब हम इसे बाउल में डाल लेंगे। सूजी भी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। ये वेजिटेबल नाश्ता फ्रेंड काफ़ी हेल्दी है, खाने में टेस्टी है, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं। कोई गेस्ट आए तब भी आप ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है। इसे मिक्स करते जाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालें। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स। बस यही 2 मसाले हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, और कुछ भी हम इसके अंदर नहीं यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बनता है फ्रेंड, बहुत ही चटपटा सा टेस्टी नाश्ता, आप ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नाश्ता बनाने के लिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। गैस को मैंने ऑन करके पैन रखा है। अब हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गैस को ऑन कर दिया, पैन हमारा गर्म हो गया है। पैन के अंदर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल, और इसे हम फैला देंगे पूरे पैन के अंदर, ताकि नाश्ता हमारा चिपके ना। देखिए इस तरह से। और अब हम बैटर में से 2 चम्मच बैटर डालेंगे और इसे फैला देंगे। ये पैनकेक फ्रेंड आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसे आप वेजिटेबल पैनकेक भी कह सकते हैं, उत्पम भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है, और वेजिटेबल से भरपूर है तो हेल्दी भी है। देखिए इस तरह से सेट कर देंगे। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और ट्रांसपेरेंट होने तक सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड ये ट्रांसपेरेंट हो गया है,
मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है, लो फ्लेम पे ही आप इसे ट्रांसपेरेंट करें, नहीं अगर हाई फ्लेम पे करा तो ये जल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम पलटें तो दूसरी ओर भी ये अच्छे से सिक जाए। और अब हम इसे पलट देंगे। और दूसरी ओर भी हम अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे और उलट पलट करते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे और 2 मिनट तक लो फ्लेम पर सेक लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसे वापस से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसे आप अपनी मनपसंद से करारा कर सकते हैं। बस मैं इसे इतना ही सेकूंगी और अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे और दूसरा पैनकेक भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और 2 चम्मच बैटर डालेंगे और फैला देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे अब और 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर सिकने देंगे। इसी तरह हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ट्रांसपेरेंट हो गया है, ढक्कन को उठा लेंगे, ऑयल लगा देंगे। और अब हम इसे पलट देंगे। और वापस से ऊपर से कवर कर देंगे और 2 मिनट तक सिकने देंगे। वापस से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर दिख रहा है, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, खाने में टेस्टी है। इस सभी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता तैयार है, सूजी और वेजिटेबल से बना हुआ। बहुत ही आसान है, ये तो आपने देख ही लिया, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में हेल्दी है फ्रेंड, क्योंकि वेजिटेबल से बना है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना फ्लफी, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी गर्म है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका यह टेस्टी वेजिटेबल पैनकेक कैसा बना। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।